उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के ग्राम रयान के क्रिकेट ग्राउंड में क्षेत्रीय 16 टीमों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें तराया टीम लीग मैच जीतकर फाइनल में पहुंची। उधर रसूलपुर में पहुंची थी और दोनों के मध्य फाइनल मैच खेला गया। रसूलपुर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 170 रन बनाकर ढह गया, जिसके बाद जाहिद ने 57 रन, ओमकार ने 33 और सलमान ने 22 रन का इसमें योगदान दिया था। तराया के गेंदबाज कबीर चीका और रामसूरत ने 2-2 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे तराया के बल्लेबाज 125 रन बनाकर आउट हो गए। समापन के मुख्य थी भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजय विक्रम सिंह ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। वहीं अंपायर कमलाकांत दीक्षित, राजवीर सिंह व कमेंटेटर ब्रजेश तिवारी को भी नगद धनराशि से पुरस्कृत किया गया। शिवलाल शर्मा की देखें रिपोर्ट। आज यहां अपने विधानसभा परिवारों के ग्राम पंचायत रायान में अपने सम्मानित प्रधान जी और सम्मानित ग्राम वासियों के द्वारा लगभग एक सप्ताह से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसके सफल समापन पर मुझे भी बुलाया गया। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनका स्नेह और प्रेम, आज चूंकि कार्यक्रम भी बहुत है लेकिन जब स्नेह और प्रेम का भाव होता है तो वहाँ जाना पड़ता है और जाना चाहिए, तभी अपना स्नेह और भाव जुड़ा रहता है। आज इस समापन क्रिकेट टूर्नामेंट के सत्र पर रसूलपुर और तराई की टीम में जो है फाइनल मैच हुआ, जिसमें रसूलपुर टीम विजयी हुई और विजेता टीम को एवं उपविजेता टीम को सम्मानित ग्रामवासियों के मध्य हम लोगों ने पुरस्कृत किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी कि आगे बढ़ें और क्षेत्र का नाम रोशन करें।